अरे यार मैं इधर ही हूँ, इधर टेंशन ही रहते हैं। आज अंदर आ जाओ। आते मतलब क्या होता है वो? क्या सेटेड है ना? बुलाओ दत्ता बाबू आगे तक। सभा उतारने बोल। अरे उतारने बोल। आइए साथ में, यहाँ पे आइए साथ में, साथ विजुअल देंगे। चल चल उधर चलना, उधर सर अपना। नो नो नो, सेंटर कमी, सेंटर आप इस साइड आओ गाड़ी के साथ। और तो पे थोड़ा क्लोज आइए। लुक लुक योर लेफ्ट, लेफ्ट में, लेफ्ट में देखिए। क्या बात है, क्या बात है। ये हमारे भाई आए हुए हैं गुलशन सिंह। हाँ अरे ये हमारे आपके सबके भाई हैं, सुपर हीरो, सुपर ह्यूमन, सुपर मैन, सुपर 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 सोनू सिंह, इसीलिए एस। क्या बात है, क्या बात है। नहीं आई थिंक मेरा और गुलशन का रिश्ता है नागपुर से, जब मैं इंजीनियरिंग करने पहली दफ़ा आया था पंजाब से, और इसको और हमारा जो रूम था आमने सामने था, और फिर इन्होंने अपनी पढ़ाई खत्म की, सारी पढ़ाई खत्म। अच्छा माइक रुक, अरे रुक जा, विजुअल होने दे, अरे विजुअल होने दे, विजुअल होने दो सर, आ जाइए। हाँ गाड़ी के तरफ सर, आप सेंटर में आइए ना, आप सेंटर में आइए। नहीं 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 मैडम को सेंटर में रहने दो, दोनों को वैसे कर लीजिए। फोन आया था।
हर थोड़ा पीछे 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 हर जाने से थोड़ा पीछे पीछे ले लो पीछे ले लो। जाने दो और सर आ रही है। नहीं नहीं थोड़ा और पीछे ले लो ले लो पीछे ले लो सर आप वहाँ पे खड़े रहिए ये साइड उन ये लोग ये साइड आ जाएंगे गाड़ी भी दिखाई देगा ये साइड। अरे बहुत वाइल हो गए जी। हाँ सही है सही है एक नंबर थोड़ा क्लोज आइए सर मैं भी सोनू सूद अभी आप सबसे ये स्लोगन लगवाएंगे आप बिल्कुल थैंक यू सोनू जी बहुत ही ब्यूटीफुल ये स्लोगन है मैं भी सोनू सूद बहुत ही अच्छी पहुँच है हमने सुना है दिल्ली से निकली है जिसका मैं चाहता हूँ कि आप बताएं इसके बारे में एंड क्या कुछ करने वाली है और कितना सपोर्ट करने वाली है। आपका नाम जब जब आता है तो लोग आपके पास आते हैं किसी को कुछ भी लेकिन ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल इनिशिएटिव है हम चाहते हैं इसके बारे में आप बताएं। ये हमारे बड़े अजीज दोस्त भाई हैं गुलशन कोहली हमारे साथ कॉलेज में पढ़ाई की थी इंजीनियरिंग में नागपुर में और फिर यू नो इन्होंने अपनी ज़िंदगी शुरू की खूब नाम कमाया भाभी भी साथ में आई हुई हैं और फिर हमारी दिशा मुंबई की तरफ हुई और जो भी यू नो थोड़ा बहुत कोविड में हम लोग दुआएं कमा पाए लोगों से तो यू नो गुलशन और भाभी ने सोचा कि क्यों ना एक देश भर में एक ऐसी जर्नी की जाए जहाँ पर उन्होंने कैंपेन शुरू किया मैं भी सोनू सूद करके विच वॉज वेरी नाइस ऑफ हिम कि एक एस बनाया जाए पूरे देश में कि शुरू होते हुए आंध्र पंजाब तेलंगाना मुंबई गुजरात दिल्ली पूरे देश में एक बड़ा एस बने ताकि मैसेज जोड़ा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए कि किस तरीके से लोग एक दूसरे की मदद कर सकते हैं क्योंकि जब कोविड के दौरान भी हम लोग इतने लोगों तक इसलिए पहुंच पाए क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े साथ में जिनको हम जानते भी नहीं थे। सो आइडिया यही है हमारा सूद चैरिटी फाउंडेशन का एक्सप्लोजर का कि हम एक ऐसी कम्युनिटी पूरे देश में खड़ी करें कि आप देश के किसी भी कोने में जाएँ छोटे से छोटे गाँव में छोटे छोटे कस्बे में जाएँ लेकिन आपको एक ऐसी कम्युनिटी एक ऐसी ऐसा परिवार मिले कि जब भी आपको कोई भी ज़रूरत हो चाहे आपको मेडिकल की ज़रूरत हो चाहे आपको एजुकेशन की ज़रूरत हो तो आपकी वो नीड पूरी हो। लोगों को आज पूरे देश भर से लोग घर पे हमारे आते हैं चाहे वो बंगाल से हो आंध्रा से हो तेलंगाना यूपी बिहार कहीं से भी हो तो उनको वहीं पे वो मदद पहुंच पाए किसी को पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई कर पाए जिसको मेडिकल की हेल्प चाहिए मेडिकल की हेल्प कर पाए तो ये जो सफ़र रहा है हज़ारों किलोमीटर का पूरे देश भर में वो करते हुए आ रहे हैं वो मैसेज देते हुए आ रहे हैं तो बड़ा स्पेशल है और आई होप कि ये जो परिवार है ये और बड़ा होता रहे और ऐसे ही लोगों के साथ में जोड़ते रहें। एक्चुअली मैं तो सबसे पहले एक ही चीज़ बोलूँगा एक सोनू सूद वर्ड का ही आज की डेट में ना अपना ही एक मीनिंग है। सोनू सूद मीन्स सिक्योरिटी तसल्ली सेटिस्फैक्शन कि अब मैं फंसने नहीं वाला अगर किसी प्रॉब्लम में लाइफ में उलझ गया हूँ फंस गया हूँ तो अब मैं 100% बाहर निकल जाऊँगा। ये ना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है यही एक्चुअली एक फीलिंग थी जो हमें लगा कि यार हर कोई हम देखते थे या ट्विटर फेसबुक और भी जितने इंस्टाग्राम एक्सप्लोरर ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर हर कोई अपनी अपनी रिक्वेस्ट डालता था और भाई तक जो रिक्वेस्ट जाती थी एक्सेप्ट होती थी और सबकी प्रॉब्लम सॉल्व तो एक संकट मोचन वाली बात है अपनी अपनी ठीक फीलिंग्स अपने अपने वर्ड्स हैं तो इसीलिए हमें लगा हमने सोचा हम क्या करें अब फिर हमें लगा हम एक्चुअली कर भी क्या सकते हैं लेकिन फिर हमने आपस में डिसाइड किया वाइफ ने मैंने कि हम अपने एक सोनू भाई के बारे में ही एक बात करते हैं और जो हम जिस चीज़ को ले गए एक प्रेरित हुए या हमें तो एक्चुअली मैं तो अपने आप को कह सकता हूँ मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ अपने दोस्त का और आप सबके सोनू भाई का हमने लगा उनके बारे में ही बात करते हैं और जो वो करते हैं उनके जैसे ही
बनने की कोशिश करें और थोड़ी थोड़ी भी करेंगे हम ना तो बहुत कुछ हो जाएगा। और फिर पीछे हमारे भाई तो हैं ही हैं हर चीज़ के लिए, तो मैं भी सोनू सूद का यही एक्चुअली एक मतलब है, मैं भी सोनू सूद। छोटे छोटे भी हम अपनी लाइफ में एक्टिविटीज़ करें, कोई भी कहीं उलझा हुआ है, फंसा हुआ है, किसी को राय चलते को रास्ता दिखाना भी एक हेल्प होती है। तो अब स्टार्ट तो करिए, अब स्टार्ट करेंगे आप, आपकी आदत भी बनेगी, सोसाइटी भी एक अच्छी अच्छी तरफ जाएगी और हमारे भाई का मैसेज तो ये तो पूरी दुनिया में। और अभी पूरे जब ट्रैवल करके भी आए तो हज़ारों लोग साथ में ऑलरेडी जुड़े हैं हम लोगों ने, ताकि यू नो वो परिवार, और जैसे मैंने बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए, वो और बड़ा हुआ है परिवार। बहुत सारे लोग सू चैरिटी फाउंडेशन का हिस्सा बने हैं जो जुड़ना चाहते थे हमारे साथ। सो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा कदम है जिससे लोग प्रेरित होंगे कि किस तरह हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यस्त तो रहते हैं लेकिन अभी हम दूसरों के लिए भी जिएंगे। जी तो इसमें एक स्कैनर अगर आप देखेंगे तो अगर आप इसको जस्ट स्कैन करेंगे तो आप सू चैरिटी फाउंडेशन के साथ जुड़ सकते हैं। आप एक्सप्लोरर जो एक हमने एक ऐप बनाया जिसमें आप दुनिया भर में ट्रैवल करें तो आप एक परिवार जोड़ते चले जा रहे हैं साथ में, तो सीधा आप इसको स्कैन करेंगे और आप उसके साथ जुड़ जाएंगे। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि एक्सप्लोरर का हिस्सा बनिए ताकि हम लोग खूब साथ में जुड़ के परिवार को बड़ा कर पाएँ। सू चैरिटी फाउंडेशन का हिस्सा बनिए ताकि हम लोग लोगों के चेहरों पर मुस्कानें ले आ पाएँ, और बस वही है परिवार बड़ा करने की हमारी एक छोटी सी कोशिश। या फतेह अभी कंप्लीट हुई है, एक ऐसी फिल्म जो कोविड से ही प्रेरित हुई थी, उसके बारे में मैं अभी जल्दी हम अनाउंस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट जो लोगों को तकलीफ़ें आई कोविड के दौरान, लोगों को चीट किया गया हम मुझ तक पहुंचने के लिए, कहीं जॉब दिला देंगे, लोन्स दिला देंगे, तो किस तरह आम जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है और हर रोज़ हज़ारों की गिनती में लोग बेवकूफ़ बनते हैं। इनफैक्ट हिंदुस्तान जैसे शहर में हर घंटे के अंदर कई सौ लोग साइबर क्राइम का शिकार होते हैं, और मेरी ये पर्सनल जो एक्सपीरियंसेस था उसके कारण ये कहानी लिखी और फतेह बनी है। लेकिन अभी जैसे हम लोग अनाउंस करेंगे फतेह के बारे में तो पता चलेगा कि क्यों इतनी स्पेशल फिल्म। लास्टली कैसी चल रही है आपकी लग्जरियस कार? नहीं नहीं सर, बढ़िया ही चल रही है यार, गाड़ियाँ तो चलती रहती हैं, गाड़ी की बहुत बड़ी बात नहीं है। सो आई फील आप भाई लोग सब लोग आए हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, दिल के रिश्ते जुड़े हैं, और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई, थैंक यू। अगर आपको कोई विजुअल लेना तो ले लीजिए, डन है, डन डन सर, थैंक यू। हाँ लिया अरे मोबाइल पीछे थोड़ा, हाँ वो दिखने थोड़ा हमारा बेटा नहीं बोलते सुनो पाजी बैठ थैंक यू पाजी सर सोलो करें सोलो सोलो करें पाजी हमारा हिट है भाई आप राजी मोबाइल अमीरी वेट वेट अभी आप दिल्ली पासिंग है ना हाँ ठीक है वन थ्री धन्यवाद साहब टेक केयर फोटो हाँ ये बड़ी पीछे चलो अरे पीछे चलो अरे नीचे दिखना चाहिए पीछे नहीं आ रहे सर नीचे आ जाओ इधर भी देखिए संजय साइड है ये नीचे का भी आओ आ जाएगा आपका फोटो नहीं नहीं हाँ ये हाँ अरे ग्लेयर भी आ रहा है पूछ लो सर इधर ऊपर खड़ा है ना अरे बाप रे अभी तो खड़े थे सर लेटा है बंदे? नहीं लेट आता है पहले लेट आते हैं हाँ थैंक यू सर थैंक यू तुमको मालूम है आप टाइम पर
श्रेयस सर सर इस साइड आइए, थोड़ा इस साइड आइए, थोड़ा गाइस थोड़ा पीछे जाते हैं ना। मैम मैम आप उस साइड कौन? ओ पाजी पाजी मोबाइल नीचे। थैंक यू। आप लोगों का टी शर्ट मिल गया आपकी? यस यस सर, मुझे नहीं मिली।